तो दोस्तों मुझे ना ऐसा लग रहा है कि ये रास्ता बाइक या कार के लिए नहीं है ये रास्ता स्पेशली पशुओं के लिए है जो इतने सारे दस पंद्रह पशु तो आराम से यहाँ पर है गुड मॉर्निंग जी तो टाइम हो गया है गोवा को बाय बाय बोलकर गणपति पुले जाने का तो जर्नी स्टार्ट करते हैं तो अभी ना हम गोवा के अंदर ही हैं तो इसलिए यहाँ पर ना वेदर इतना साफ़ है बारिश का नाम व निशान नहीं है बट ये खुशी ना कुछ पलों की है बिकॉज़ जैसे ही हम गोवा से बाहर जाएंगे और जैसे ही हम धीरे धीरे करके रत्नागिरी साइड पहुँचेंगे फिर गणपति पुले साइड पहुँचेंगे कोकन के पश्चिमी तट पर पहुँचेंगे यार वैसे ही ना बारिश स्टार्ट होगी बाकी यार मॉर्निंग में ना आई स्वेर गोवा से प्यारी जगह ना शायरी को ही कोई दिखती रहेगी बिकॉज जैसे ही यहाँ के क्रेज़ी पार्टी लाइफ है ना नाइट इसकी जितनी क्रेज़ी होती है मॉर्निंग में ना इसकी सुबह ही उतनी ही पीसफुल होती है मैंने ना बहुत पहले एक पॉडकास्ट देखा था जिसमें एक बहुत लेजेंड एक्टर है वो ना गोवा में ही रहते हैं मतलब उनकी फैमिली के साथ वो गोवा में ही रहते हैं तो जब उनसे पॉडकास्ट में पूछा गया ना कि आपका गोवा में रहने का रीज़न क्या है तो उन्होंने बोला ना कि यहाँ की एयर बहुत फ्रेश है और आपको ना यहाँ पर पीसफुल लाइफ जीने में बहुत ही मज़ा आएगा सो so, दो दिन गोवा में रह कर तीन दिन दो रातें गोवा में रह कर मुझे ये चीज़ का फुल एहसास हुआ है कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला था हाँ सो वही थोड़ा मैं राइड का मज़ा लेता हूँ फिर मिलता हूँ आपसे आगे चलकर तो दोस्तों मुझे ना ऐसा लग रहा है कि ये रास्ता बाइक या कार के लिए नहीं है ये रास्ता स्पेशली पशुओं के लिए है। जो इतने सारे दस पंद्रह पशु तो आराम से यहाँ पर है और भाई ऐसी जगह ना बहुत ही संभाल के गाड़ी चलानी चाहिए बिकॉज़ अगर वो थोड़ा भी घबरा जाएंगे ना वो यहाँ वहाँ भागना चालू कर देते हैं और वो टाइम पर तो एक्सीडेंट होना फ़िक्स ही होता है और वैसे भी अगर कोई इंसान के वैसे एक्सीडेडेंट हो तो आप उसको बोल भी सकते हो पशुओं को आप क्या ही बोलोगे सो भाई इसलिए ना आराम से राइड करना चाहिए और मैं वापस इसलिए आ गया कि अभी हम गोवा से बाहर निकलना चालू कर दिया हमने और गाइस हाँ फाइनली हम गोवा के बाहर आ गए और मैंने बताया था ना गोवा के बाहर आते ही बारिश चालू हो जाएगी बस स्काई देखो आप अभी ना लग रहा है बहुत ही ज़ोरदार बारिश होने वाली है बट ना जो ऐसे रास्ते होते हैं ना खासकर डामर वाले वहाँ पर ना गाड़ी ना चलाने में बहुत मज़ा आता है बिकॉज़ यहाँ पर ना छोटे छोटे ना पार्टिकल्स के लिए जगह होती है रोड्स के बीच में तो गाड़ी यहाँ पर स्किड नहीं होती है बाकी जो दूसरे के रास्ते होते हैं ना जहाँ पर पूरा शाइन लगता है जैसे कि कांच जैसा है तो वहाँ पर ना गाड़ी बहुत ही समाली चलानी पड़ती है और मुझे जहाँ तक पता है ना आगे वैसे रास्ता स्टार्ट होगा सो धीरे धीरे बारिश भी स्टार्ट हो रही है बस जोरदार बारिश ना हो नहीं तो फिर हम लोग भीग जाएंगे क्योंकि मैंने आज रेनकोट दूसरा वाला पहना है सो होपफुली बारिश तेज़ ना हो कहीं रुकते यार चाय पीने के लिए बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही है मुझे भाई बैरिकेड वगैरह लगे रास्ते पर अगर कोई बिना देखे आ गया ना भिड़ जाएगा किधर भी यहाँ पर चाय की दुकान चाय की दुकान कहीं तो मिले चाय की दुकान और यार भाई बारिश है ना बारिश सीधा आ रही है आपको कैमरे में दिखता रहेगा बारिश ना सीधा थ्रो हो रही है मुंह के ऊपर और बहुत ही जोरदार बारिश हो रही है ये भी नहीं कि सीधा हो हेलमेट पे लगे लग रही सीधा फेस पर आके और बहुत ही ज़्यादा विंड ब्लास्ट के साथ हो रही है हाँ सो भाई कहीं मिलते हैं आगे चल के चाय के ब्रेक पर फिर अच्छे से वहाँ पर बातें करते हैं सो फाइनली ग एक सामने ढाबा दिख रहा है मुझे चाय का बट मुझे लग रहा है वहाँ पर ना बैठने के लिए चेयर्स खाली नहीं है बट चल के देखते कैसे क्या है भाऊ बड़ा पाव है क्या अरे वाह बेस्ट बेस्ट चलो सो so गाइस यहाँ पर वड़ा पाव है और यहाँ पर बैठने की जगह दिख नहीं रही है और भाई अंकल वैसे क्यों घूर रहे हैं मुझे एलियन देख लिया क्या सो so भाई चाय पी के फिर मिलते हैं आपसे तो जी दोस्तों चाय पीती हमारे अंदर आ गई स्पूर्ति और फुर्ती तो बताओ कहाँ चलना है और कितनी स्पीड पर चलना है सो गाइज़ हम लोग ने ऑलमोस्ट अभी चार घंटे राइड कर लिया है चार दिन की साढ़े तीन घंटे राइट तो हो गई है और अब फाइनली बारिश रुक गई है और स्काई बहुत ही प्रीटी दिख रहे हैं और आपको पता है अगर आप ना जब गणपति पुले साइड जाओगे ना तो आपको एक ऐसा स्पेशल चार पाँच किलोमीटर का रास्ता देखने मिलेगा ना जहाँ पर आपको ना लेफ्ट साइड पर जाने के टाइम कोकन की ना बहुत ही बड़ी समुंदर देखने मिलेगी बहुत ही बड़ी समुद्र रहती है वहाँ पर जहाँ तक देखोगे वहाँ तक आपको दिखेगा और उसके साइड में बीच देखने मिलेगा और बीच के साइड में ना आपको बहुत सारे नारियल के खजूर के पेड़ देखने मिलेंगे और इस साइड रहेगा एक सुंदर सा रास्ता सो ये है इसलिए मैं इतना एक्साइटेड हूँ यहाँ पर जाने के लिए सो सोगाइ राइड करते हुए हमको छः घंटे हो गए हैं और अभी हम यहाँ पे कहीं तो जा रहे हैं और यहाँ के रास्ते बहुत ज़्यादा ख़राब है साइड में आपको नदी दिख रही है और आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आई डोंट नो मैं थोड़ा दिखना ट्राई करता हूँ उस साइड देखो यहाँ पर दिखा यहाँ पर ना कोई टेम्पल है और टेम्पल के ना बाहर प्रॉपर घाट होता है ना जहाँ पर बैठ के आप नहा सको ऐसा प्रॉपर बनाया गया है और सॉरी मुझे पता नहीं है कि ये कौन सा मंदिर है बट कोई तो अच्छा मंदिर है बिकॉज यहाँ पर ना घाट वगैरह प्रॉपर बनाए हुए हैं और रास्ता ही उतना ज्यादा खराब है यहाँ पर थोड़ा मैं यहाँ से निकलता हूँ आगे चल के रास्ता क्रॉस कर दो फिर आपसे मिलता हूँ ठीक है शिव मैं सुन हो रहा हूँ भाई ऐसा ब्रिज क्रॉस करने में ना बहुत ही अच्छा लगता है बट उतना डर ही लगता है कि भाई सेफली बस क्रॉस कर लें हाँ हम्म ओ भाई ओ अरे भाई मुझे पता है यार तुम्हारा ही इलाका है बट ऐसे तो मेरे को मत डराओ आके गाड़ी के सामने सीधा सो so गाइज ये यहाँ पर प्रॉपर कोई मंदिर है देखो यहाँ पे लेफ़्ट साइड में ना नदी के बीच में एक मंदिर भी दिख रहे हैं ये पहले क्रॉस करते हैं फिर आगे चल के मिलते हैं आपसे हाँ सो so फाइनली जो रास्ते थे ना वो रास्ते क्रॉस करके हम लोग एक हाईवे साइड पहुँच रहे हैं और जो रत्नागिरी साइड का हाईवे है ना वो ऐसा कोई आपको प्रॉपर हाईवे देखने नहीं मिलेगा बोर्ड्स वाले आपको ऐसे ही हाईवे मिलेंगे जो आस पूरी पूरी ग्रीनरी है माउंटेंस के बीच में रास्ते हैं सो so, यहाँ पर आपको गाड़ी चलाने में बहुत मज़ा आएगा बट उतना ध्यान देने की ज़रूरत भी है बिकॉज यहाँ पर टन वगैरह ना बहुत सारे हैं हाँ <sighs> अरे अरे भाई अचानक से गाड़ी रोक रहे हो शिट देखा गा आपने अभी क्या हुआ वो भाई ने बिना इंडिकेटर दिए गाड़ी रोका और उसको क्रॉस करने के चक्कर में सामने से कार आई वो भाई अच्छा एक एक्सपीरियंस है यार अभी गाड़ी चलाने का धीरे एक्सपीरियंस हो गया अदरवाइज़ अगर ऐसे को भी कुछ बहुत पहले हुआ होता था ना मतलब जब स्टार्टिंग किया था राइड का तो उस टाइम तो ना हालत पूरी ख़राब हो जाती थी, थी भाई कि अरे बच गया ऐसा लगता था बट अभी ना थोड़ा ऐसा एक्सपीरियंस हो गया है कि अब तो इतना डर लगता नहीं है और सही मोमेंट पर सही डिसीजन लेके ख़ुद को बचा पाता है हाँ सो मैप में दिखा रहे ये रास्ता चलने वाला है और फोर्टी थ्री किलोमीटर्स के लिए सो सेम रास्ते पे आप देखते देखते हो जाओगे बोर तो मिलते हैं आपसे चल के आगे और आगे सीधा मिलते हैं अब कोकन साइड पहुँच कर ठीक है क्योंकि आप बहुत देर से यही रास्ते देख रहे हो तो सीधा आपसे मिलते हैं कोकन साइड रत्नागिरी साइड चल के तो चलो सो so गाइस दिल थाम के बैठो मैं आपको ये व्यू के बारे में बता रहा था हाँ ये रास्ते पर ना पिछले ढाई साल से मैं गाड़ी चलाने के लिए वेट कर रहा हूँ और फाइनली लेफ्ट साइड पे आपको दिख रहा है बड़ा सा समुंदर और उसके पहले है बीच और आपको दिख रहे हैं यहाँ पे खजूर के और नारियल के झाड़ हाँ बट अभी ये इन्जॉय करने के लिए भी ना ब्रेन सेंस नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑलमोस्ट आठ घंटे हो गए राइड करते करते हमें बट बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है यार सो so गाइज अभी मेरा स्टे यहाँ से सिर्फ बारह किलोमीटर दूर है ऑलमोस्ट मैं पहुंचने वाला हूँ और आपको मैं यहाँ पर दिखाने के लिए रुका हूँ कि यहाँ पर ना एक बहुत ही बड़ा भाई हॉन डे डायर छोड़ो सो so यहाँ पर ना बहुत ही बड़ा ब्रिज है और ब्रिज के दोनों साइड है बड़ा सा समुंदर और सामने है एक टापू और हमको वो टापू क्रॉस करके ही गणपति पुले में एंट्री होगी तो फटाफट चलते हैं टापू क्रॉस करते हैं और अब सीधा चल के मिलते हैं आपसे होटल में बिकॉज बहुत ज़्यादा बातें हो गई है तो चलते हैं और मिलते हैं आप में आपसे होटल में सो गाइज फाइनली हम पहुंच गए और आई होप आपको वो रोड ट्रिप पसंद आया हो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा यूनिक एक्सपीरियंस था बहुत ज़्यादा मज़ा आया और आप आई नो आप मुझे वीडियो के लास्ट में ऐसे देख रहे हो और तभी तक बोटल ब्लॉगिंग चालू थी बट क्या करूँ कि रास्ता बहुत लंबा था और मुझे कैसे जल्दी यहाँ पहुँचना था और यहाँ पर पहुँचने के, के बाद अभी मुझे यहाँ का स्टे शूट करना है एंड आई सुवेर इतना ज़्यादा बॉम्ब स्टे मैंने आज तक नहीं देखा है मैंने कभी इतने अच्छे स्टे में स्टे नहीं किया है और वो भी इस रेट पर सो बहुत अच्छी बात है और आगे के व्लॉग देखो तो आपको यहाँ का स्टे मालूम पड़ेगा गणपतिपुर जी का टेम्पल देखने मिलेगा बहुत कुछ देखने मिलेगा सो so, भाई ये व्लॉग को इतना ही रखते हैं आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करो कॉमेंट करो शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलो सो so, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए लव यू एम पीस आउट